टेक न्यूज में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं आज की न्यूज। आज किन्नौर नगर पालिका की तरफ से अतिक्रमण की धड़क मुहिम तेज हो गई है। आज किन्नौर नगर पालिका ने मेन रोड पर किन्नौर नगर पालिका की नई इमारत बनकर तैयार है। इस नई इमारत में किन्नौर नगर पालिका आने वाली है। ये 4 साल पहले महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिवंगत आर पाटिल के हाथों इस इमारत का भूमि पूजन किया गया था और इस नई इमारत नगर पालिका का काम भी जोरों से किया गया था। आज किन्नौर नगर पालिका नई इमारत बनकर तैयार है और इस नई नगर पालिका की इमारत के सामने की जगह पर बहुत से लोगों ने इस जगह पर किसी ने पान ठेला, किसी ने खाने की दुकान, किसी ने होटल तो किसी ने इस्त्री की दुकान डालकर मेहनत मजदूरी से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते आ रहे हैं। ये दुकानें बहुत सालों से है। इस नई नगरपालिका इमारत पर पहले जिला परिषद उर्दू स्कूल और मराठी स्कूल थी। यहाँ पर बहुत बड़ा मैदान था। हम इसी उर्दू स्कूल में पढ़े। ना किसी नगरपालिका का बोर्ड था, ना किसी की जगह। इस बड़े मैदान में बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ गांव के लड़के क्रिकेट वॉलीबॉल खेलते थे। लेकिन धीरे धीरे जिला परिषद उर्दू हाई स्कूल और मराठी स्कूल इस जगह से पंचायत समिति के पास की जगह पर चला गया। लेकिन आज भी एक पुरानी इमारत में मराठी प्राथमिक स्कूल और मराठी स्कूल के विद्यार्थी, उर्दू स्कूल के विद्यार्थी इसी जगह है। आज भी मराठी स्कूल और उर्दू स्कूल के विद्यार्थी इस पुरानी इमारत में पढ़ाई कर रहे हैं और नगर पालिका ने जोरों से नई नगर पालिका को तैयार किया और आज वो नई नगर पालिका बनकर तैयार हो गई। लेकिन इस नई नगर पालिका के सामने जो लोग अपना व्यापार कर रहे हैं उनका आज नगर पालिका के कर्मचारियों पुलिस के साथ अतिक्रमण हटाने की मुहिम चालू की गई है। इन को ना किसी ने सूचना दी, ना किसी ने जानकारी। जेसीपी बुलडोजर से इनकी दुकानों को उखाड़ रही है, उनकी दुकानों को तोड़कर फेंक रही है। लोग परेशानी की हालत में इधर से उधर जाते नजर आ रहे हैं। किसी ने नगर अध्यक्ष को तो किसी ने उप नगर अध्यक्ष को तो किसी ने नगर सेवकों को फोन किया, लेकिन उनके फोन बंद थे। ऐसे में बेचारे लोग मायूसी के साथ दुकानों का नुकसान सहते हुए सामान ले जा रहे थे। ये नगर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर सेवक वोट मांगने कैसे आते हैं? किसी बेचारे पर कोई परेशानी आती है तो ये लोगों का फोन बंद हो जाता है और दिल ही दिल में ये लोग सोचते हैं कि पीड़ा गई, लोगों को ऊपर वाला जरूर देखेगा। और इस नई इमारत का एक और राज बाकी है, वो ये है कि इस इमारत के मैदान में उर्दू स्कूल और मराठी स्कूल अब ये नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर सेवक इन जिला परिषद स्कूल को खाली कराने पर जोर दे रही है। ये स्कूल के विद्यार्थी कहाँ जाएंगे, ऐसे सवाल उठ रहे हैं। हमने जिला परिषद के हेडमास्टर से पूछा तो उनका कहना है कि हमको जब तक जगह नहीं मिलती हम स्कूल खाली नहीं करेंगे। कैसी नगर पालिका और कैसी नगर पालिका के लोग इन स्कूली छात्रों को जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं उन छात्रों को तंग किया जा रहा है। और फिर सरकार कहती है पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया भारत, ऐसे में कैसे छात्रों से पढ़ाई चलेगी? इन नगर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर सेवकों को जल्दी से नई नगर पालिका इमारत में जाने की जल्दी दिखाई दे रही है, लेकिन इनको स्कूली छात्रों के बारे में थोड़ी भी फिक्र नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में लोगों के सवाल उठ रहे हैं। जो कई सालों से इन जगहों पर स्कूल चल रहा है और इस स्कूल में किन्वट के नामवर लोग पढ़ाई की है, ऐसे इस स्कूल
को बर्बाद किया जा रहा है। ये किन्नौर नगर पालिका दिन ब दिन चर्चे में नजर आ रही है। आप पूछेंगे वो कैसे? वो ऐसे कि अभी की नई कमेटी जो किन्नौर नगर पालिका में आई है और बहुत से काम किन्नौर नगर पालिका के अंतर्गत काम चालू है, वो सब बोगस चालू है। हमने बहुत से कामों के न्यूज भी आप तक पहुंचाए हैं, लेकिन इस कामों के तरफ कोई नजर नहीं आता। रोडों पर कचरा, पानी की परेशानी, बिजली की परेशानी और मोकाट जानवर, कुत्ते, गधे सब रोडों पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में किन्नौर की जनता परेशान दिखाई दे रही है। इस तरफ हमारे नांदेड़ जिले के जिलाधिकारी अरुण डोंगरे सर किन्नौर का दौरा करें, ऐसे लोगों की मांग है। इस न्यूज़ पर आप अपनी राय नीचे इनबॉक्स में लिख सकते हैं और हमारी न्यूज़ पसंद आई तो आगे शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त होते हैं, देखते रहिए आज की न्यूज़। बहुत से लोगों की इसमें अतिक्रमण के उठाए जाने की प्रतिक्रिया पे था, हमारे को बिना नोटिस दिए, बिना कुछ बोले हमारे ये जगहों से हटा दिए। कितने सालों से तुम काम यहाँ पे? 20 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। 20 साल से धंधा कर रहे हैं? 20 साल से धंधा कर रहे हैं। हमारे कुछ नोटिस भी नहीं दिए उठने के, हम खाना बनाए थे आज, गिरेक चालू में हमारे यहाँ पे बड़ो डोजर डाल दिए। और इसके बाद 20 साल से टैक्स भी भरते हैं, टैक्स भी भरते हैं। तो उन लोगों को जगह देने के कुछ भी नहीं दिया हमारे को, जगह का भी नहीं दिया हमारे को, कुछ बोले नहीं। कुछ जगह देने के लिए बोले क्या? आश्वासन दिए क्या? कुछ भी आश्वासन नहीं दिया। हमारा पेट पानी इस पे एक ही धंधे पे, हमारे को भी नहीं है। कोणतेही पूर्व सूचना न देता अचानक येणं आणि चालू धंद्यावर उकडून फेकवणं हे शोभा देत नाही नगरपालिकेला। सूचना देणं, पर्यायी व्यवस्था करणं, काहीतरी सांगणं, कोणतंही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरसेवक कोणी भटकलं नाही, काय नाही काय नाही, एवढं असं दादागिरी आणि एवढं म्हणजे हे करणं हे चुकीचं आहे। काहीतरी गरिबांचं बघून हे करावं। आणि एक 5-10 वर्ष झाले नाही बसून, कमीत कमी 40-45 वर्ष झाले, एक एक दोन दोन पिढी गेलेली आहे। नगरपालिकाची जागा होती का? ते नगरपालिका टॅक्स घेत होती, नगरपालिकाची जागा आहे कोणाची माहिती नाही, पण हे नगरपालिकाने उठवले, आम्हाला उठवले। आता बघू तर पुढं काय। नगरपालिका हमार को बिना नोटिस दे हुए ये हमारी चालू दुकान रोजी रोटी तोड़ दी और पूरे बिना नोटिस दिए, बिना ये कुछ करे, हमार को बिना सूचना कल्पना दिए हुए हमारे चालू धंधे सामान बाहर फेंक के डायरेक्ट JCP लगा के उठा के तोड़ फोड़ कर दिया। हमारे को मालूम था इसलिए जिला परिषद कन्या स्कूल की जगह, हमारे को मालूम भी नहीं है नगर पालिका की जगह है कुछ है। हम आज तक टैक्स भरते आए 40 साल से, पर मेरे बिना सूचना न करते हुए भी हमारे को अतिक्रमण से उठा दिए, हम बेघर हो गए। अभी हमारे कहाँ रोजी रोटी, हम लेके जाना क्या करना कुछ भी पता नहीं। आगे क्या करना चाहते हैं? आगे क्या करना चाहते हैं? अब कहीं नौकरी पानी करना नहीं तो उपोषण को बैठना नगर पालिका सामने, हमारे को कुछ तो पर्याय व्यवस्था दो बोल के। आपको सूचना नहीं दी गई? नहीं, बिल्कुल सूचना नहीं दी गई, कुछ भी नहीं दी गई। डायरेक्ट आगे मुझे JCP लगा के चले। 40 साल से यहाँ पे जगह पे, अब ये जगह पे तो नगर पालिका वाले अपने को जगह देना, राइट टाइम पे उठाए, अपन कहाँ जाने का अभी, इतना पसारा लेके कहाँ जाने का अभी। हम तो ये इस पे चाहिए धंधा, तो हमारा ये चाहिए। आपको मालूम था क्या नगर पालिका की जगह है बोल के? नगर पालिका का जगह बोल के क्या मालूम है, स्कूल की कन्या स्कूल की जगह बोल के मालूम है। नगर पालिका अभी से बंद, नगर पालिका जब बंद रहे जब से अपने को मालूम हो गया अभी नगर पालिका की जगह बोलते, जब से इससे पहले तो नगर पालिका की जगह बोल के मालूम ही नहीं है ना। हाँ, इसलिए अतिक्रमण बोल के उठा रहे अभी उन्होंने, कैसा करना, अपने को जगह मिलना जरूरी है। कहा तो बढ़िया व्यवस्था तो हो ना, तो हम 2 दिन के बाद उपोषण को बैठते हैं। हमारे को बड़े व्यवस्था करके दो, नहीं तो हम 2 दिन के बाद उपोषण को बैठे। हमारी जगह होना, हमारा पेट पानी इस पे जाए, किराए का घर है, हमारा घर भी नहीं है, मेरी माँ विधवा है, बाप भी नहीं है मेरे को, ये धंधे में मेरा पेट पानी चलता था पूरा। मैं तो नहीं चालू करो, पूरे गांव का अतिक्रमण निकालने लगा तू, मैं पूरे दुकाना बिकाना पूरे गिर जा रहा फिर, नहीं तो हम 22 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। जिला परिषद की जगह थी, 22 साल के बाद रोज मजदूरी करके बाल बच्चों का, माँ का, बहन का, सबका पेट भरते थे। आज हम भूखे मर रहे हैं, हमको कहीं ना कहीं तो भी जगह दो गवर्नमेंट ने, नगर पालिकाओं ने। बोलने का मतलब इतना से गवर्नमेंट से इतनी रिक्वेस्ट करते हैं हम कि हमको कहीं ना कहीं जगह दो।
हमको अचानक आके आगे उठा दिए यहाँ पे सब नगर पालिका के लोग आके, और कोई हमको अब चारा नहीं है कुछ ना कुछ, तो भी हमको रोज मजदूरी करने के लिए जगह खाना खाना हमको देना है। सालों से हम घूमते हुए 25-30 साल से यहाँ पे थे। इसकी जगह थी ये जिला परिषद स्कूल की जगह थी, नगर पालिका की जगह नहीं थी ये। अच्छा। हाँ, ये स्कूल जिला परिषद की स्कूल थी, दान में दी वाली जगह है ये। अच्छा। लेकिन ये नगर पालिका वाले ने उनके नाम पे खुद के कर लिए उन्होंने। हाँ, और यहाँ नगर पालिका लाके बिठा दी बस, और कहीं ना कहीं हमको जगह हो ना जरा फिट बात पानी की। यहाँ पे लोग रह रहे थे और ये नगर पालिका की जगह नहीं रहते हुए भी नगर पालिका वाले बगैर नोटिस से जिला परिषद की जगह है, स्कूल की जगह है, बगैर इत्तला करते हुए, बगैर बोलते हुए, बगैर नोटिस देते हुए अचानक आके ये लोग अतिक्रमण तोड़ दे रहे। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं 35-30 साल से रह रहे, भोजनालय है बहुत सारे लोगों के, 20-25 लोगों के घर है जिससे चलते हैं, यहाँ पे भोजनालय खाने के लिए लोगों के लिए व्यवस्था है बहुत सारी है। लेकिन शासन ने इसका ध्यान में लेके हमको इस जगह पे, इस जगह के अलावा या फिर यही मलियाँ वगैरह देख के यहाँ पे ही फिर से स्थायी करना चाहिए। और खाली ये नगर पालिका का नाम लेके ये लोग बे इससे बिल्कुल बिना बोले ही ये तोड़ तार चालू कर दिए, बहुत सारे लोगों का नुकसान होगा। इसका नुकसान होते हुए भी फिर भी शासन ने इसका ध्यान रख के फिर से यहाँ पे लोगों को मलियों की जगह देनी चाहिए। सर यहाँ हम नगर पालिका के कंपाउंड बोल के नगर पालिका वाले यहाँ से हमको उठा दिए, ये नगर पालिका की जगह नहीं होते पर जिला परिषद की जगह है, अतिक्रम मोहिम बोल के उन्हें उठाने लगा दिया। हम 25 साल से टेस्ट कर रहे नगर पालिका का, अचानक आके तोड़ फोड़ करके सब मिस्टर बोलिया, हम रोड पे आ गए साहब, आगे हमको तुम बताओ या जगह तो भी दो कहीं तो भी। हेलो साहब, नगर पालिका में क्या चल रहा, घालमोल उसकी इंक्वायरी करने लगा ऊपर से CBI भेज के, सीधा मोदी को भेजेंगे साहब हम मोदी को, और बोले अब आगे क्या करना है तो आप बताओ आगे का रास्ता साहब।